नमस्कार, मैं हूं शिवानी ठाकुर। आप देख रहे हैं मैनपुर न्यूज़। थाना क्षेत्र किशनी में सीएचसी पर टीकाकरण की बैठक के बाद स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की अभद्रता से आशाएं आक्रोशित हो गई। इसी दौरान धक्का मुक्की होने पर एक आशा घायल हो गई। एसडीएम से शिकायत कर सभी आशाओं ने तहसील पर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध प्रदर्शन किया। देखिए हमारे संवाददाता अमित चक की रिपोर्ट। कस्बा किसनी में गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण और प्रसूताओं के स्वास्थ्य की बैठक हुई। बैठक के बाद आशाओं ने अपने बकाया वेतन दिलवाने के लिए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप गुप्ता से कहा। इस पर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी शैलेंद्र चौहान ने आशाओं से अभद्रता कर दी। इस दौरान धक्का मुक्की में आशा अनुराधा सक्सेना घायल हो गई। आक्रोशित 3 दर्जन आशा तहसील पहुंची और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध एसडीएम अशोक प्रताप सिंह को ज्ञापन दिया। एसडीएम ने इंस्पेक्टर के तिवारी को फोन कर मामले की जांच के बाद कार्रवाई की आश्वासन दिया है। गुस्साई आशाओं ने तहसील पर शैलेंद्र चौहान के विरुद्ध प्रदर्शन कर इनका आरोप था कि उन्हें कई महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है, वो काम कैसे कर पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। क्या नाम है आपका? अनुराधा सक्सेना। क्या पद है आपका? आशा। क्या हो गया आज? आज मुझे सीएससी से भगा दिया शैलेंद्र चौहान ने जी। और का 50,000 रुपए लेके हम और आशाएं कर लेंगे, भाग जाओ यहाँ से। रोड पार कर रहे थे, मेरा एक्सीडेंट हो गया। क्या समस्या क्या थी? आप सब लोग इकट्ठे होके गए थे सीएससी पे? हम लोगों से जबरदस्ती काम करवाते हैं, पैसे जबरदस्ती काम करवाते हैं, मीटिंग का बहाना लेके, और पैसे नहीं डालते होंगे। 6 महीने हो गए मेरे, किसी बात के पैसे नहीं पड़े। आप 6 महीने से आपका किसी का मानदेय नहीं मिला? नहीं मिला। सब लोगों का? नहीं मिला। इसी को लेके ज्ञापन देने आए तहसील जी? मीटिंग कब बुलाई थी? मीटिंग आज बुलाई, भड़का के जबरदस्ती डरपा के बुलाया जी। तो हम लोग आए, फिर यहाँ आए तो मेरा अपमान करके भगा दिया। शैलेंद्र सिंह चौहान क्या है? आरोपद में सीएससी में जी। तो आपने वहाँ डॉक्टर को नहीं बताई, प्रदीप गुप्ता जी को? किसी ने कुछ नहीं कहा, सब सामने ही थे।